बातम्या पाहूयात आता सविस्तररित्या। पंतप्रधान मोदींकडून G20 परिषदेचं उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे। जगात अविश्वासाचं संकट आहे, सगळे मिळून दूर करू असं म्हणत मोदींनी उद्घाटनापर संबोधन केलेलं आहे। नवी दिल्लीत G20 शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। पहिला दिवस आहे परिषदेचा, दोन दिवस परिषद सुरू राहणार आहे आणि या परिषदेसाठी अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख इकडे नवी दिल्लीत पोहोचलेले आहे। G20 परिषदेला त्यांनी उपस्थिती दर्शवलेली आहे। G20 परिषदेचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केलं आणि उद्घाटनापर त्यांनी संबोधनही केलेलं आहे। जगात अविश्वासाचं संकट आहे, सगळे मिळून दूर करू असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून G20 परिषदेचं उद्घाटन करण्यात आलंय। जगात अविश्वासाचं संकट आहे, सगळे मिळून दूर करू असं मोदींनी म्हटलंय। मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले, यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया, करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency.